हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के बीच अच्छे और नए वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, ये हमारा कमबोर्ड है, कलर सेट है, कमबोर्ड हैंड स्प्रे है, एक एक करके वन बाई वन करके इंस्टॉल करके आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसे पूरा इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाएँगे। हमारे साथ बने रहिए शुरू से लास्ट तक। और हमारा वीडियो शुरू करने से पहले इलेक्ट्रिकल 97 भाई को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाना बोले, ताकि नेक्स्ट नया वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं हमारा क्लोसेट है और हमारे ये नीचे कमबोर्ड है, डिस्प्ले है, कमबोर्ड है। तो वन बाई वन करके आप लोगों को इंस्टॉल करके हम दिखाएँगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा कमबोर्ड हैंड डिस्प्ले है, पहले ये इंस्टॉल कर ले रहे हैं। तो चलिए हम अच्छे से टाइप में इसको अच्छे से पाइप को टाइट कर दे रहे हैं, और उसके बाद इसको अंदर एंगल कॉक है, एंगल कॉक में अच्छे से इसको हम टाइट कर देंगे, हमारा रेडी हो जाएगा। एंगल कॉक में आप लोग देख सकते हैं इसको हम टाइट कर दिए हैं, और हमारा एंगल कॉक थोड़ा ओल्ड वाला है, इसको भी हम अभी चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा एंगल कॉक आया हुआ है। देखिए एंगल कॉक अच्छा नहीं है, जैसे इस टाइप रखेंगे। और हमारा कमबोर्ड है, जो कमबोर्ड कुछ इस प्रकार से है, तो इसको पहले कमबोर्ड को अंदर रख करके मार्किंग कर लेंगे। पहले हम कमबोर्ड को अंदर रख रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे लगाने का है, 4 इंच पाइप में अटैच करके, और इसको अच्छे से हम मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग हो चुका है, और उसको अच्छे से हम ड्रिल कर ले रहे हैं, 2 ड्रिल करेंगे। 2 ड्रिल करने के बाद उसको वाल प्लग डाल दिए हैं हम, और इसकी वजह से टाइट कर दे रहे हैं। 2 बस मार्किंग करके वाल प्लग डाल के अच्छे से इसको टाइट कर देना है, ताकि वो हमारा कमबोर्ड हिले और डूले नहीं, और नहीं तो आदमी बाद में उससे गिर भी सकता है, कितना भी ऊपर चढ़ के बैठ के टॉयलेट करते हैं। इसलिए कमबोर्ड का मतलब है कि बैठ के टॉयलेट करना चाहिए, लेकिन लोग चढ़ भी जाते हैं, इसलिए 2 इंच कर दिया जाता है सेफ्टी के लिए। और हमारा साइड में बस उसका हमारा वाइट सीमेंट लगाने का बाकी रह गया है, तो वो भी हम लगा देंगे। पहले हमारा क्लोसेट रख ले रहे हैं, वो हमारा रेडी हो गया है, अभी हम क्लोसेट रखेंगे, और उसके बाद लास्ट में सीमेंट डालेंगे, मुश्किल नहीं है। इसको हमारा ये जो टैप का पाइप है, इस साइड में हमारा वाल्व है, तो हमारे दूसरे साइड में था, इसलिए हम इसको चेंजिंग कर रहे हैं, उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। उसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे, टाइट हो गया, और उसके बाद हम इसको 2 इंच शुरू करके अच्छे से इसको लगा देंगे हम। हमारा एंगल कॉक का स्क्रू कर रहे हैं, हमारा कमबोर्ड हैंड स्प्रे टैप है, उसका भी स्क्रू हो गया, और क्लोसेट का भी स्क्रू हम कर दिए हैं, उसमें ले क्लोसेट लेकर अटैच कर देंगे। और हमारा कमबोर्ड हैंड स्प्रे है, ये भी हमारा अच्छा से टाइट हो चुका है, और वो भी हमारा अच्छा से टाइट हो चुका है, वो जो ऊपर कर देंगे लॉक को, उसके बाद हम कमबोर्ड एक क्लोसेट रखेंगे, सॉरी हमारा एक कमबोर्ड हैंड स्प्रे भी रेडी हो गया, ये देख सकते हैं यहाँ रख दिए हैं। अभी हमारा क्लोसेट है, तो इसको भी अच्छे से जो लॉक कर दे रहे हैं, लॉक हो गया। अभी हमारा बाकी क्या लग रहा है, मेरा पाइप है जो आउट हो रहा है, जो पाइप पानी वाटर, वो हमारा पाइप है बस, वो हम उसमें अच्छे से डाल देंगे, उसमें रबड़ भी लगा देंगे हम, थोड़ा सा पाइप बड़ा हो रहा है 1 से 1.5 इंच, वो भी हम अच्छे से काट करके लगा देंगे। चलिए काट करके इसको हम लगा दे रहे हैं, रबड़ लगा करके उसमें हम टाइट कर दिए हैं। अभी देख सकते हैं कि हमारा ये उसमें नहीं जा रहा है, तो क्लोसेट को फिर हम बाहर निकाल के उसको अच्छे से डालेंगे। चलिए क्लोसेट को बाहर निकाल के अभी उसमें हम डाल दे रहे हैं, थोड़ा टाइट जाता है ना, तो इसलिए हम उसको डाल के अच्छे से फिर उसको टाइट कर दे रहे हैं, वाटर लीकेज ना कर, इसलिए अच्छे से टाइट कर देंगे। कुछ उसमें स्कैनर की जरूरत नहीं है, हैंड से वो खुद टाइट हो जाता है, और उसमें एक वाशर रहता है ब्लैक वाला, उसे लीकेज नहीं आएगा बाद में। ये हमारा ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं, इसका बस कवर रखने का है, तो क्लोसेट का कवर भी डाल देंगे हम,
ताकि ये हमारा क्लोजेट फिनिश हो जाए। उसके बाद हमारा कमबोर्ड का कवर डालेंगे लास्ट। ये हमारा क्लोजेट का कवर है, इसमें दो पिन रहेगा पीवीसी का, पिन समझिए लॉक समझिए, उसको हम डाल देंगे। देखिए हमारा छोटा वाला पिन है जो हम डालना है, एक साइड से डाल दे रहे हैं। ये हमारा रेडी हो गया, अभी हमारा क्लोजेट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हमारा बस कमबोर्ड बाकी है, तो कमबोर्ड से पहले हम क्या करेंगे, कमबोर्ड हमारा हो गया, क्लोजेट हो गया और कमबोर्ड हैंड स्प्रे भी हो गया। अभी हमारा कमबोर्ड का नीचे का जो है ना वाइट सीमेंट डालना का बाकी है, वो डाल ले रहे हैं पहले। चारों तरफ से साइड साइड से हम वाइट सीमेंट अच्छे से डाल देंगे, फिल कर देंगे। और उसके बाद हमारा 4 इंच का पाइप है, उसमें भी अच्छे से हम वाइट सीमेंट को फिल कर देंगे। देख सकते हैं हमारा फिल हो चुका है। अभी हमारा कमबोर्ड का बस कवर है, वो हम डाल देंगे। ये हमारा एंगल कमबोर्ड हैंड स्प्रे है और ये भी हमारा रेडी हो गया है। बस हमारा रह गया है ये हमारा कमबोर्ड कवर, ये अच्छे से हम फाड़ करके और इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो हमारा कवर ओपन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार से कमबोर्ड का कवर है, निकालो भाई, निकाल रहे हैं। निकालने के बाद वहाँ ले जा करके इंस्टॉल करेंगे। देखिए हमारे ये पीवीसी का नट और बोल्ट है, इसको अच्छे से हम ले आकर टाइट कर देंगे। उसमें ज़्यादा भी नहीं टाइट करेंगे कि वो मिसिंग हो जाए, हिसाब से इसको टाइट भी करना है। तो ये हम यहाँ पे फटाफट टाइट कर ले रहे हैं, कमबोर्ड का कवर रख दिए हैं और दो स्क्रू को टाइट कर दे रहे हैं। कमबोर्ड स्क्रू का कवर को हम टाइट कर दिए। अभी हमारा वर्ष क्या बाकी है, टेस्टिंग, तो इसको हम टेस्ट करके चेक करेंगे। उसके पहले हमारा कमबोर्ड का कवर टाइट हो चुका है और इसको हम फिर से इसको वाटर को ऑन करके चेक करेंगे कि हमारा ऑलमोस्ट पूरा काम फिनिश हो गया। आप लोग देख सकते हैं क्लोजेट को ऑन कर दिए, अभी कमबोर्ड में वाटर आया, इस साइड लीकेज नहीं है ना, लीकेज नहीं है। और सेकंड दूसरा साइड भी चेक करेंगे, उधर भी लीकेज नहीं है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा ये काम फिनिश हो गया। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इलेक्ट्रिकल नौशाद भाई को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट नए वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहे। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारा कमबोर्ड हैंड स्प्रे भी हमारा रेडी हो गया, एंगल कॉक भी लग गया, हमारा पूरा काम फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू, लाइक।